फतेहपुर में घर पर खाना बनाते समय गैस लीक होने से आग लग गई। आग से महिला और उसके दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह गैस सिलेंडर को बाहर फेंक कर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय दोनों बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि मां ने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ दिया। इस हादसे को लेकर फतेहपुर के एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि ललौली थाना क्षेत्र के खटोली में गैस सिलेंडर में रिसाव होने के कारण मां और उनके दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए हेडल अस्पताल कानपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना ललौली अंतर्गत ग्राम खटोली में गैस के सिलेंडर में रिसाव होने के कारण मां एवं उसके दो बच्चों की जो है झुलस करके गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज हेतु हेडल अस्पताल कानपुर रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और उनको शव का कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और मैं उससे भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।